सत श्री अकाल, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का मसालेदार प्रोग्राम बॉलीवुड गपशप। और वक्त हो गया है बॉलीवुड की ताजा चटपटी और मसालेदार खबरों से रूबरू होने का। तो देर किस बात की, चलिए करते हैं शुरुआत बॉलीवुड की खास खबरों के साथ। देखिए, हमारे कार्तिक और सीरत आर मेड फॉर ईच अदर, ये बात तो देखने वाले जानते ही हैं, इवन सीरियल बनाने वाले भी ये बात जानते हैं। एंड आई एम श्योर कि ये बात ये दोनों भी जानते हैं, लेकिन सीरियल में ट्विस्ट लाने के लिए कहानी को कहां से कहां जाकर पहुंचा दिया गया। वेल नेवर यू माइंड, क्योंकि अब माहौल बन रहा है। जी हाँ, क्योंकि अब ऐसे आसार बन रहे हैं कि सीरत और कार्तिक एक हो ही जाएंगे। अब क्योंकि रणवीर को हो गई है एक जानलेवा बीमारी। जी हाँ, शांति से सीरत ने रणवीर को अपने और कार्तिक के बारे में बताया तो वो समझ गया कि सीरत ही सिर्फ कार्तिक को प्यार करती है, कार्तिक की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, अब दोनों के बीच सब ठीक हो गया है, इसलिए तो अब रणवीर चाहता है कि सीरत एक बार फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। अब इधर सीरत प्रैक्टिस कर रही है तो उधर रणवीर की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। अब ऐसे में सीरत को पता चला तो भला रणवीर को कोई बीमारी है, लेकिन हाँ, हमें तो ये बात जरूर पता है कि रणवीर अब इस सीरियल में कुछ दिन के लिए ही मेहमान है। यानी कि अब आप खुद समझ जाएंगे कि सीरियल में अब कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा कि रणवीर दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हाँ, वो सीरत को यूं अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। जी हाँ, वो सीरत का हाथ कार्तिक के हाथों में देकर जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा ये तो सीरियल के राइटर्स ही जाने। अब आप बस इतना समझ लीजिए कि दो प्रेम कहानी जो कि अधूरी रह गई थी, अब वो पूरी होने वाली है। अब ये तो हर कोई जानता या मानता भी है कि हमारी जो टेलीविजन की बहुएं हैं ना, उनको किसी हीरो की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत इन्होंने ही तो चला रखा है। तो कुछ ऐसा ही हुआ आपकी नजरों में, जहां नंदिनी को अबला समझकर किसी ने उनका उल्लू बनाने की कोशिश की, मतलब उनका फायदा उठाने की कोशिश की। फिर क्या था, हमारी अबला नारी ने उनका तबला बजा दिया। अब भाई, जैसे को तैसा तो होता ही है, कोई आया था नंदिनी को बेवकूफ बनाने। अब अगर अंधे होकर जब कोई ठगने की कोशिश करे तो जवाब बराबर का देना चाहिए ना। अब नंदिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैसे नंदिनी इधर किसी को सबक सिखा रही है तो उधर पीछे से दर्श उसे देख रहा है। न जाने उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई बात तो है यहाँ पर। अब इन दोनों का रिश्ता तो एक दूसरे से जुड़ा है, फिर कहीं ना कहीं तो ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे ही। और ऊपर से जब नंदिनी की बेटी ने अर्श को देखा तो वो उसे चिढ़ाने लग गई और उसे परेशान करने लगी। अब यहाँ अर्श के साथ चार्मी भी है और इसे पल पल इस बात का डर है कि कहीं उसका भेद ना खुल जाए। और नंदिनी और यश का बार बार एक दूसरे से टकराना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। खैर, अब तो ये अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आगे की कहानी क्या होने वाली है। कुंडली भाग की शर्लिन, जी हाँ, उन्हें देना होगा हमें कोई कलर तो वो होगा रेड, क्योंकि रेड कलर से दिमाग में थॉट यही आता है कि कलर ऑफ डेंजर। जी हाँ, खौफ का माहौल बनाए रखती हैं हमारे प्रीता और करण की जिंदगी में। तो आइए डालते हैं एक नजर कुंडली भाग्य पर। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में प्रीता कश्मकश में पड़ी है। जहाँ एक तरफ उन्हें अपने घर वालों की चिंता सता रही है तो वहीं दूसरी तरफ उसे अपने दुश्मनों का पर्दाफाश भी करना है। ऐसे में प्रीता ये फैसला लेती है कि वो कृतिका और पृथ्वी की शादी में कोई ट्विस्ट नहीं लाएगी और वो अपने घर वालों का ध्यान रखेगी, क्योंकि उसके घर वाले दूसरी ओर से परेशान हैं। क्योंकि प्रीता ये बात अच्छे से जानती है कि अगर ये शादी टूटी तो उसके घर वाले बुरी तरह से टूट जाएंगे और प्रीता ऐसा नहीं होने देगी। रियलिटी शो बिग बॉस अपने 15वें सीजन के साथ तैयार है और इसके साथ ही इस नए सीजन को सुपरहिट बनाने के लिए ट्विस्ट लाने की तैयारी भी चल रही है। लेकिन 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 ये ट्विस्ट फैंस को निराश भी कर सकती है। जी हाँ, दरअसल खबर है कि बिग बॉस सीजन 15 को सलमान खान के अलावा कोई और एक्टर होस्ट करता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। कुछ टाइम पहले ही मेकर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए बिग बॉस 15 को टीवी पर प्रीमियम करने से 6 हफ्ते पहले ही
इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने का फैसला लिया था। अब ऐसे में फैंस के बीच ऐसी ही चर्चा थी जो कि हो, लेकिन इसे सलमान होस्ट नहीं करेंगे। लेकिन वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होस्ट करने के लिए दबंग खान राजी नहीं है। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि उनकी जगह किसी और को होस्ट करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। वैसे आपको याद दिला दे कि बिग बॉस 8 के सीजन के दौरान सलमान खान के नहीं रहने पर फराह खान ने बिग बॉस हल्ला बोल को होस्ट किया था। वहीं खबर ये भी है कि बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला सलमान खान की जगह ले सकते हैं। बहरहाल शो से जुड़े बाकी की अपडेट्स पर बात करें तो ओटीटी पर 6 हफ्तों से कंटेस्टेंट को वोट आउट करने यानी घर से बेघर करने की जिम्मेदारी दर्शकों पर होगी और इसके बाद सिर्फ 6-7 कंटेस्टेंट को टीवी पर प्रीमियर होने का मौका मिलेगा और इस नए फॉर्मेट को नया बिग बॉस ओटीटी नाम दिया गया है जो अगस्त से वूट ऐप पर शुरू किया जाएगा। इसके अलावा खबर है कि शो के नए सीजन के लिए दिव्या अग्रवाल को अप्रोच किया गया है जो फैंस के बीच खासा पॉपुलर है। दिव्या को अपने सीजन 11 के दौरान घर पर मेहमान बनकर जाते आपने देखा होगा जहां वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रियांक शर्मा से मिलने गई थी। फिलहाल जहां फैन सलमान खान के होस्ट नहीं करने की बात से निराश होंगे वहीं उनके लिए राहत की बात ये है कि टीवी पर प्रीमियम होने वाले इस शो को दबंग खान ही चलाएंगे। देखिए किसी का दिल जीतना या फिर मन जीतना बहुत आसान काम होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अपनी बनावटी तरीकों से। लेकिन सबसे ज्यादा आसान होता है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, वो भी अपने जेन्युइन हरकतों के साथ। लेकिन ये बात काव्या को भला कौन समझाए। जी हाँ, अनुपमा में काव्या पाखी को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही है और वो भी अपने अजीबोगरीब हरकतों के साथ। अगर मौके पे चौका मारना हो तो ये काम आप काव्या से सीख सकते हैं। अब काव्या कितनी तेज है ये तो हमें बताने की शायद जरूरत नहीं है। वो अच्छे से जानती है कि अनुपमा अपने काम को लेकर कितनी बिजी रहती है, ऐसे में वो पाखी का ध्यान नहीं रख पाती है। तो भाई हुआ यूं कि उसने पाखी को मोहरा ही बना लिया और वो पाखी को बार बार ये एहसास दिला रही है कि तुम्हारी माँ के पास तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे लिए। वो बाहर का काम खत्म करके घर आएगी और फिर घर के कामों में लग जाएगी तो भाई उसके पास अपनी बेटी के लिए समय ही कहाँ बचता है। अब पाखी जो अच्छे से जानती है कि काव्या कैसी है फिर भी उसके बहकावे में भला वो कैसे आ गई। पाखी ये बात अच्छे से जानती है कि अनुपमा अपनी स्वीटी के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर भला पाखी आप ये गलती कैसे कर सकती है। खैर ये तो 4 दिन की चांदनी है काव्या, ये कैसी काव्या है आपको तो ये समझ आ ही जाएगा और उसका आपके ऐसे नजदीक आना आपको समझ जरूर आएगा कि इसमें उसका कोई मतलब छुपा हुआ है। शाहरुख खान देंगे जादू की झप्पी और वो भी मुन्ना भाई के साथ। जी हाँ, बन गई है बॉलीवुड के बादशाह और मुन्ना भाई की जोड़ी। पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं संजू बाबा और किंग खान। अब आप ये पूछेंगे कब, कहाँ और कैसे, तो आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बादशाह के साथ बनेगी मुन्ना भाई की जोड़ी, किंग खान के साथ नजर आएगा बॉलीवुड का खलनायक। पहली बार साथ दिखेंगे शाहरुख खान और संजय दत्त। खबर है कि दोनों एक फिल्म कर रहे हैं, फिल्म का नाम राखी है और खबर ये भी है कि दोनों ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि इस बात की कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। ये पहला मौका होगा जब शाहरुख खान और संजय दत्त दो हीरो वाले फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। इसके पहले संजय दत्त ने शाहरुख की फिल्म रावण में छोटा सा रोल प्ले किया था। वो शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में भी नजर आए थे लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये दोनों स्टार्स पर्दे पर एक साथ नजर आए। लेकिन अब ये कमाल होगा। वैसे तो दोनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इधर शाहरुख अपनी दूसरी फिल्म पठान की शूटिंग में काफी बिजी हैं और फैंस उनके बड़े पर्दे पर उनको देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और संजय दत्त की बात करें तो वो अजय देवगन की फिल्म भुज में दिखने वाले हैं और ट्रेलर में उनका जबरदस्त भी लुक देखने को मिला है। अब उम्मीद यही है कि बॉक्स ऑफिस पर मुन्ना भाई और बादशाह की जोड़ी को दर्शक जादू की झप्पी तो जरूर देंगे।
रणबीर कपूर बनेंगे क्रिकेटर, बनने जा रही है एक और क्रिकेटर की जिंदगी पर फिल्म, और कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर को चूज किया गया है। अब कौन है क्रिकेटर जिसकी जिंदगी को रणबीर पर्दे पर जी सकते हैं? पहले पर्दे पर दिखी धोनी की कहानी, फिर दिखी अजहर की जिंदगी, फिर सचिन की जिंदगी के राज खुले, और अब बड़े पर्दे पर नजर आएगा दादा का दम। बनने जा रही है सौरभ गांगुली की बायोपिक, और खबर ये है कि रणबीर नजर आ सकते हैं दादा के किरदार में। जी हाँ, सूत्रों के माने तो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, एक प्रोडक्शन हाउस लगातार दादा के संपर्क में बना हुआ है। आपको बता दें कि रणबीर कपूर के अलावा दो और एक्ट्रेस लिस्ट में हैं जो इस फिल्म में दादा का किरदार निभाएंगे। इससे पहले एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने गांगुली की बायोपिक के लिए ऋतिक रोशन का नाम सजेस्ट किया था। इस बात पर बोलते हुए दादा ने कहा, ऋतिक की बॉडी मेरी तरह नहीं है, उनकी बॉडी काफी फिट है और वो दिखने में भी काफी अच्छे हैं। सूत्रों की माने तो एकता कपूर से लेकर फॉक्स स्टार स्टूडियोज जैसे प्रोडक्शन हाउस ने दादा की बायोपिक को लेकर अपनी बहुत सारी राय दी थी। अब देखना ये होगा कि सौरभ गांगुली की जो ये फिल्म आने वाली है उसमें रणबीर कपूर कैसी एक्टिंग करते हैं। और इससे पहले भी आपको बता दें कि धोनी की लाइफ पर भी एक बार बायोपिक बन चुकी है, और अजहर जो है, अजहर क्रिकेटर अजहर की लाइफ पर भी एक मूवी बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि सौरभ गांगुली की जिंदगी पर जो फिल्म बनने जा रही है वो कैसी होगी। बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। करें कि नियंत्रक महोदय इसके बारे में जानकारी देंगी। जी सर, यहाँ पर